हाय फ्रेंड्स वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल मेडिकल ट्यूबर आज के इस वीडियो में हम हिमाटोलॉजी में हिमाटोलॉजी में क्वेगुलेशन चैप्टर से रिलेटेड क्वेगुलेशन स्टडीज़ में हम इसके 15 क्वेश्चंस यहाँ डिस्कस करेंगे ये क्वेश्चंस आपके गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स के लिए इम्पॉर्टेंट हैं डी एम एल स्टूडेंट्स के लिए इम्पॉर्टेंट है सो so, ये आप क्वेश्चन अच्छे से पढ़िएगा यहाँ पर चलिए हम स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है फिच विटामिन इज़ यूज इसेंशियल फॉर क्वेगुलेशन फैक्टर कौन सी वो वाली विटामिन है जो कि क्वेगुलेशन फैक्टर है में यूजफुल होती है उसके लिए ज़रूरी होती है तो विटामिन ए है या ऑप्शन बी विटामिन बी है या ऑप्शन सी विटामिन ई e है या ऑप्शन डी विटामिन के है तो इसका राइट आंसर रहेगा विटामिन के नेक्स्ट सेकेंड क्वेश्चन विच वन मेटल आइन यूजफुल इन क्वेगुलेशन स्टडीज क्वेगुलेशन स्टडीज में कौन सा मेटल आइन इम्पॉर्टेंट है कौन सा मेटलाइन यूजफुल है ऑप्शन है ऑप्शन ए कैल्शियम ऑप्शन बी मैग्नीसियम आइन ऑप्शन सी क्लोरीन ऑप्शन डी जिंक तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ए क्लोरिन सॉरी कैल्सियम थर्ड क्वेश्चन देखेंगे वॉट प्रिवेंट क्लॉटिंग ऑफ ब्लड इन ब्लड वीजेस इस हमारे ब्लड वीजल्स में कौन सा कोगुल जो कौन सा एंटी कोगुलेंट होता है हमारे ब्लड वीजल्स में जो कि हमारे ब्लड को क्लॉट होने से रोकता है इसमें ऑप्शंस हैं ऑप्शन ए सीरोटोनिन ऑप्शन बी हिपेरिन ऑप्शन सी फाइब्रोनोजिन ऑप्शन डी फाइब्रिन इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी हिपेरिन जो कि हमारी ब्लड विजल्स में नेचुरली प्रेजेंट होता है एंटीकॉगलेंट जो कि हमारी ब्लड विजल्स में ब्लड को क्लॉट होने से रोकता है नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्लंपिंग ऑफ सेल्स इज नोन एज सेल्स की क्लंपिंग होने को हम क्या कहते हैं ऑप्शन ए क्लॉटिंग ऑप्शन बी म्यूटेशन ऑप्शन सी एग्लूटिनेशन ऑप्शन डी ग्लूटोथायोन तो इसका राइट right आंसर रहेगा एग्लूटिनेशन जो हमारी ब्लड में आ, हमारी जो सेल्स में जो क्लंपिंग होती है उसको हम बोलते हैं एग्लूटिनेशन नेक्स्ट फिफ्थ क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग विल नॉट कोएगुलेट व्हेन प्लेस सेपरेटली ऑन फोर स्लाइड्स इनमें से वो कौन सा है जिसको हम सेपरेटली फोर स्लाइड्स पर अगर हम रखते हैं तो कौन सा क्वेगुलेट नहीं होगा ऑप्शन ए ब्लड सीरम ऑप्शन बी ब्लड प्लाज्मा ऑप्शन सी ब्लड फ्रॉम पल्मोनरी वेन और ऑप्शन डी ब्लड फ्रॉम पल्मोनरी आर्टरी तो इसका राइट right आंसर रहेगा ऑप्शन ए ब्लड प्लाज्मा क्वेश्चन नंबर सिक्स कॉमन पाथ इन्वॉल्विंग फैक्टर्स कौन से वो फैक्टर्स जो कॉमन पाथवे में इन्वॉल्व होते हैं ऑप्शन ए फाइव और टेन ऑप्शन बी एट नाइन इलेवन और ट्वेल्व ऑप्शन सी थ्री सेवन फोर और ऑप्शन डी नन ऑफ द इसका राइट right आंसर रहेगा ऑप्शन ए फाइव और टेन नेक्स्ट क्वेगुलेशन फैक्टर फोर एच ऑप्शन ए प्रोथ्रोम्बिन ऑप्शन बी फाइब्रोनोजिन ऑप्शन सी कैल्शियम ऑप्शन डी थ्रोम्बोप्लास्टिन इसका राइट right आंसर रहेगा हमारा ऑप्शन डी थ्रोम्बोप्लास्टिन एर्थ एर्थ क्वेश्चन देखेंगे एट नाइन इलेवन ट्वेल्व एच ये कौन से फैक्टर्स हैं इनको हम एक्सट्रेंसिव फैक्टर बोलते हैं या ऑप्शन बी इंट्रेंसिक फैक्टर बोलते हैं या बोथ या नन तो इसका राइट आंसर रहेगा एक्सट्रेंसिक एक्सट्रेंसिक फैक्टर्स कहलाते हैं हमारे एट नाइन इलेवन और ट्वेल्व क्वेश्चन नंबर नाइन हाउ मेनी फैक्टर्स आर प्रेजेंट इन नॉर्मल प्लाज्मा हमारी प्लाज्मा में नॉर्मली कौन से फैक्टर्स कितने फैक्टर्स प्रेजेंट होते हैं ऑप्शन ए एट नाइन एलेवन ट्वेल्व ऑप्शन बी फाइव और टेन ऑप्शन सी थ्री फोर सिक्स या ऑप्शन डी ऑल फैक्टर्स आर प्रेजेंट तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन डी ऑल फैक्टर्स हमारी नॉर्मल प्लाज्मा में सारे फैक्टर्स प्रेजेंट होते हैं क्वेश्चन नंबर टेन हीमोफीलिया वी इज कॉज्ड बाय अ फंक्शनल डेफिशिएंसी ऑफ कैगुलेशन फैक्टर कौन सा वो फैक्टर है जिसकी डेफिशियसी से हीमोफीलिया बी हमें हो जाता है इसके ऑप्शन हैं ऑप्शन ए फैक्टर एर्थ ऑप्शन बी फैक्टर नाइन्थ ऑप्शन सी फैक्टर इलेवेंथ ऑप्शन डी फैक्टर फाइव तो इसका राइट आंसर रहेगा फैक्टर नाइन क्वेश्चन नंबर इलेवन हीमोफीलिया ए इज कॉस्ड बाय हेमोफीलिया ए कौन से फैक्टर की डेफिशेंसी से होता है तो इसके ऑप्शन देखेंगे ऑप्शन ए फैक्टर सेकंड, ऑप्शन बी फैक्टर सिक्स ऑप्शन सी फैक्टर एर्थ ऑप्शन डी फैक्टर फिफ्थ इसका राइट right आंसर रहेगा ऑप्शन एर्थ सॉरी वो फैक्टर एर्थ इसका राइट right आंसर जो है वो सी है नेक्स्ट ट्वेल्थ क्वेश्चन देखेंगे विच फैक्टर आर एसेंशियल फॉर कन्वर्जन ऑफ फाइब्रोनोजिन टू फाइब्रेन वो कौन सा फैक्टर है जो कि इम्पॉर्टेंट है फाइब्रोनोजिन को फाइब्रिन में कन्वर्ट करने के लिए कौन सा फैक्टर इसेंशियल है कौन सा फैक्टर उसे कन्वर्ट कराता है तो इसके ऑप्शन देखेंगे ऑप्शन ए थ्रोम्बिन ऑप्शन बी थ्रोम्बोकाइनेज ऑप्शन सी प्रोथ्रोम्बिन ऑप्शन डी थ्रोम्बोप्लास्टिन तो इसका राइट right आंसर है फैक्टर वो ऑप्शन नंबर ए इसमें थ्रोम्बिन जो है वो इसेंशियल होता है फाइब्रोनोजिन को फाइब्रिन में कन्वर्ट कराने के लिए नेक्स्ट क्वेश्चन थर्टीन देखेंगे टिश्यू प्लाज्मिन एक्टिवेटर टिश्यू प्लाज्मिन एक्टिवेटर क्या है ऑप्शन ए हेल्प इन वुंड हीलिंग ऑप्शन बी एलर्जी रिस्पॉन्स ऑप्शन सी इम्यूनिटी ऑप्शन डी डिजोल्व क्लॉट इन ब्लड विजिल्स इसका राइट right आंसर रहेगा ऑप्शन डी डिजोल्व क्लॉट इन ब्लड विजिल्स में टिश्यू प्लाज्मेन जो है वो हेल्प करता है क्वेश्चन नंबर फोर्टीन क्वेगुलेशन फैक्टर वन एच ऑप्शन ए प्रोथ्रोम्बिन ऑप्शन बी थ्रोम्बिन ऑप्शन सी कैल्सियम ऑप्शन डी फाइब्रोनोजिन कोएगुलेशन फैक्टर वन जो है वो कौन सा है तो इसका राइट right आंसर जो है वो रहेगा डी फैक्टर जो वन फैक्टर है उसका नाम है फाइब्रोनोजिन नेक्स्ट एंड लास्ट लास्ट क्वेश्चन देखेंगे द कन्वर्जन ऑफ प्रोथ्रोम्बिन टू थ्रोम्बिन इन द प्रेजेंस ऑफ प्रोथ्रोम्बिन को थ्रोम्बिन में कन्वर्ट कराने के लिए कौन सा आ, किस चीज़ की जरूरत होती है कौन सा एक्टिवेटर यूज होता है तो इसके लिए ऑप्शन हैं ऑप्शन ए थ्रोम्बोकाइनेज ऑप्शन बी फाइब्रिन ऑप्शन सी थ्रोम्बोप्लास्टिन ऑप्शन डी फाइब्रोनोजिन तो इसका राइट आंसर रहेगा का, थ्रोम्बोकाइनेज थ्रोम्बोकाइनेज जो है वो इम्पोर्टेंट होता है प्रोथ्रोम्बिन को थ्रोम्बिन में चेंज कराने के लिए सो so, फ्रेंड्स ये थे आपके 15 क्वेश्चंस अगर ये आप क्वेश्चन आपको आपके लिए यूजफुल रहे हों तो फ्रेंड्स हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारे वीडियोज़ को शेयर कर दीजिए लाइक कमेंट कर दीजिए थैंक यू सो मच